नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की होगी पढ़ाई, ये है हेमंत सरकार का प्लान। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुसार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में हो मुंडारी, खड़िया, कुरुक, संताली, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली और खोटा की पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सरकारी स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसके लिए सभी जिलों से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी मांगी गई है, ताकि उसके अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। आपको बता दें कि सरकार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के विशेषज्ञ शिक्षकों की भी नियुक्ति करेगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू होगी। किसी एक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले 50% से ज़्यादा बच्चे होंगे, वहाँ इससे संबंधित भाषा की पढ़ाई होगी, वह भी मातृभाषा में होगी। झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। सभी जिलों से इस बाबत रिपोर्ट मांगी गई है। कहाँ किस जनजाति भाषा के छात्र अधिक हैं और किन स्कूलों में किस जनजातीय भाषा के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? झारखंड राज्य ब्यूरो, पुष्पांजलि कुमारी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।